माइक्री क्रोशिया के शौकीन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्री क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसकी आगे बनाना सिखाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फूल बनाएंगे। दोस्तों फूल को हम 12 नंबर के क्रोशिया हुक से बनाएंगे और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस धागे को हम उंगली में हम इस तरीके से लपेटेंगे क्रॉस करते हुए इस तरीके से, और यहां से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और इस धागे को इस साइड निकालेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हम थ्री चेन बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3, और इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और मैजिक रिंग में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और मैजिक रिंग में डालेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सभी डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस मैजिक रिंग में 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इस धागे को खींच के इस मैजिक रिंग के छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से, और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो हम इस धागे को इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और इसके आगे हम अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे वाली डबल क्रोशिया है आगे वाली, उसके उसमें हम जो ऊपर चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनानी है हमें इस तरीके से। इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बना ली है, और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये फूल का बीच वाला हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे, तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे। पूरे राउंड में हम किसी भी डबल क्रोशिया में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके आगे 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके आगे 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया है, और लास्ट में जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया और ये फोर्थ डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारी टोटल मिला के 5 डबल क्रोशिया हो गई, पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 4 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे इसी तरीके से, 1 2
थ्री फोर और ये फाइव डबल क्वेश्चन, और उसके आगे वन चेन, और इसके आगे यहाँ पर भी थ्री चेन के गैप में भी फाइव डबल क्वेश्चन और वन चेन, इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम ये भी पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर थ्री चेन के गैप में फाइव डबल क्रोशिया और वन चेन बना के तैयार कर ली है, और लास्ट में जो शुरुआत में हमने थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री चेन बनाएंगे इस तरीके से और पलटेंगे। जो हमारा थर्ड राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे पीछे की तरफ से और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसके आगे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जो ये फाइव डबल क्रोशिया है, इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, वन टू, वन डबल क्रोशिया में टू डबल क्रोशिया बनानी है, और इसके आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें वन ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे वन ट्रिपल क्रोशिया, और इसके आगे वाले डबल क्रोशिया में हम सबसे पहले वन डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, वन डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे, पलटेंगे, जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है उसके ये लास्ट वाले जो दो फंदे हैं इन्हें उठाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम वन डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी डबल क्रोशिया में। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हमने इस डबल क्रोशिया में वन डबल ट्रिपल क्रोशिया, थ्री चेन पलट के वन सिंगल क्रोशिया और वन डबल ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे वाली डबल क्रोशिया में वन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे, और जो लास्ट डबल क्रोशिया बची है, जो ये फाइव डबल क्रोशिया थी इसकी जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पलटेंगे, जो हमारी थर्ड राउंड है उसमें हम इस तरीके से वन सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। हमारी ये फूल की पहली पंखुड़ी बनके तैयार हो गई। अब हम इसके आगे दूसरी पंखुड़ी बनाएंगे इसी तरीके से, तो इसके आगे भी फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और जो ये फाइव डबल क्रोशिया है इनकी जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। आगे वाली डबल क्रोशिया में वन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और आगे वाली डबल क्रोशिया में सबसे पहले वन डबल ट्रिपल क्रोशिया, थ्री चेन पलट के जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है इसे दोनों फंदे उठाएंगे और इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और इसके आगे हम वन डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी डबल क्रोशिया में इस तरीके से, और इसके आगे वाली डबल क्रोशिया में वन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट डबल क्रोशिया बची है फाइव डबल क्रोशिया में से उसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पलटेंगे, और जो थर्ड राउंड की सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे फाइव चेन बनाएंगे, और इसी तरीके से आगे वाली फाइव डबल क्रोशिया में भी इसी तरीके से तीसरी पंखुड़ी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें दो पंखुड़ी बना ली, और इसी तरीके से हम इसके आगे की भी सभी पंखुड़ियां बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सारी पंखुड़ियां बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फूल की सभी पंखुड़ियां बना के तैयार कर ली हैं, और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस जगह पे, इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे वन चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम
ये सितारे लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने फूल में सभी सितारे लगा लिए हैं। अब इसके आगे हम हरे रंग से बनाएंगे, तो हम यहाँ पर इसे हरे रंग को इस तरीके से जोड़ेंगे। जो ये वन चेन का गैप है, यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे सिक्स चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। अब हम इसे ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड थर्ड राउंड जो है उसमें ये वाली जो जगह है यहाँ पर, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके आगे सिक्स चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पलटेंगे। और जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ देंगे। इसके आगे हम सेवन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके आगे हम यहाँ पर ये जगह है यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे। इसके आगे भी सेवन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पलटेंगे। जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे सिक्स चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां वाली जो जगह है जैसे हमने यहां पे जोड़ा है वैसे ही इस जगह से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरीके से। और इसके आगे सिक्स चेन्स बनाएंगे, पलटेंगे और यहां पर हम जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और हम ये जो आगे वाली वन चेन का गैप है यहां पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे सिक्स चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो आगे वाला हिस्सा है उसमें हम जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही बनाएंगे। तो यहां पर हम 1, 2, 3 थर्ड राउंड में ही यहां पर इस जगह पर जोड़ेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इसके आगे सिक्स चेन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6 और जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे पलट के। इसके आगे सेवन चेन बनाएंगे, 5, 6,
6, 7, और यहां इसके सामने ही ये वाली जगह है, यहां पर जैसे हमने यहां पर बनाया है वैसे ही यहां पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर इसे भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम पलट के सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां पर इसके आगे ये वाली जो जगह है यहां पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे। इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पलटेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम पलट के सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ये भी बन गया, ये पत्तियां भी बन के तैयार हो गई। और इसी तरीके से हम इस पीस में सभी साइड में इसी तरीके से पत्तियां बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, और इसी तरीके से हम सारी पत्तियां बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सभी पत्तियां बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें सभी साइड में पत्तियां बना ली हैं और लास्ट में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसी तरीके से हम सभी पीसों में फूल बना लेंगे और उनकी पत्तियां भी बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सभी फूल बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी फूल और उनकी पत्तियां बना के तैयार कर ली हैं और इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा थालपोस बन के तैयार हो गया है। दोस्तों आपको हमारा ये थालपोस का डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।